शुरू करते हैं प्राथमिक मध्य लिखित परीक्षा के आधार पर सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जीएस का सिलेबस प्रारंभ होता है, पहला टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। उसमें कल हम लोगों ने पढ़ा था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, उसके बारे में हम लोगों ने जिक्र किया, लेकिन उस सभी स्रोत थे अप्रत्यक्ष जो हम लोगों ने देखा नहीं था, केवल अनुभव के आधार पर बताया, एक वैज्ञानिक खोज के आधार पर बताया कि ऐसा पृथ्वी के अंदर होगा। जैसे जैसे कोई कल्पना कर लिया जाए कि दिल्ली कैसी हो, मुंबई कैसी हो, तो लोग बताते मुंबई नीली कलर होगी, बहुत भीड़ भाड़ होता है, हमेशा चलते रहते हैं, मैंने भागते रहो जिंदगी है, तो कल्पना करते हैं लोग कितनी भीड़ होगी वहाँ, लोग अपने में व्यस्त रहते हैं, तो कल्पना करते हैं कि मुंबई ऐसी होगी। वैसे हमने पृथ्वी के आंतरिक संरचना में अंदर किए देख लिया था अभी तक कि पृथ्वी अंदर ऐसे ऐसे हो सकती है, अलग अलग वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता ने अलग अलग बातें बताई, बता के चलेगा रटना हम लोग को है ठीक, लेकिन कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण है जिनके आधार पर ही अप्रत्यक्ष प्रमाणों को वरीयता मिली। उसमें से आता सबसे पहला भूकंप, भूकंप को हम लोग कहते हैं अर्थक्वेक, लेकिन भूकंप और ज्वालामुखी का एक दूसरे से गहरा संबंध है, माने एक दूसरे क्या है, चोर चोर मौसेरे भाई ठीक, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के मौसेरे भाई, माने भूकंप वही आ सकता है जहां पे ज्वालामुखी उद्गार हो, और उसके लिए कई कंडीशन है। अभी तक ऐसा मान्यता था कि केवल केवल भूकंप वहीं आ सकते हैं, मतलब प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर भूकंप वहीं आ सकते हैं जहां पे एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे विभंजित हो। लेकिन 2002 में गुजरात में एक भयानक भुज का भूकंप आया, 2001 में भुज का भूकंप आया जिसने पूरा भूगोल बदल दिया, अब भूगोल में नए नए सिद्धांत जन्म लेने लगे कि वहां भूकंप कैसे आ गया। तो वास्तव में हम आप कहीं सेफ नहीं है, अगर आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति आपके साथ करेगी, जैसा मालथस ने कहा था ठीक। तो आगे आते हम लोग भूकंप पढ़ते, भूकंप दो शब्दों से मिलकर बना के संविच्छेद करते होंगे तो हम लोग पढ़े होंगे, भूधन कंप, भू माने पृथ्वी, कंपन माने कापना, तो कौन संधि विच्छेद हो, कौन संधि होगी, भूकंप भूधन कंप, कोई संधि नहीं होगी, कंपन अच्छा नहीं होगी, चलिए कोई संधि नहीं होगी, आप लोग हिंदी पढ़ते हैं। तो भूकंप आने का मतलब क्या है, पृथ्वी के, अच्छा भूकंप कहते किसे, पृथ्वी के आंतरिक गतिविधियों के कारण उसके कष्ट पे होने वाले जो हलचल होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम भूकंप कहते हैं। अब भूकंप कैसे आते हैं, भूकंप आने के कितने रीजन हो सकते हैं, पहला प्राकृतिक कारण, दूसरा मानवीय कारण, पहले पढ़ लेते हैं मानवीय कारण, मानवीय कारण से क्या भूकंप आ सकते हैं, मानवीय कारण से भूकंप आ सकते हैं, हाँ कैसे, अभी हाल ही में करंट अफेयर आपका तैयार है, उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण किया, बगल की धरती कांपने लगी, तो उसके ऊपर बैन लगाना शुरू किया, कितने बड़े बड़े बम ने गिरा, माने परमाणु बम या परमाणु हमला, या जब परमाणु बम की जब हम लोग जांच करते हैं या जब उसका परीक्षण किया जाता है तो भयानक विस्फोट किया जाता है, उस विस्फोट के बाद कंपन पैदा होते धरती पे, उसे क्या कहते हैं, हम भूकंप कहते हैं। मतलब कभी आप पटाखा भी दीपावली में फोड़े होंगे, अगर आप लोग मनाए होंगे तो पटाखा जब फोड़ते थे डब्बे में, खुरापाती लोग थे, सब लोग डब्बे में जलाते थे, डब्बा फट जाता था, ईट रखते थे, ईट टूट जाती थी, तो जब पटाखे से, एक छोटे से पटाखे से ईट टूट जाती है और जब बड़ा सा बम भरसा किया जाएगा तो क्या होगा, माने पृथ्वी के कंपन में मानव की भी गतिविधि या मानव का भी हस्तक्षेप होता, एक कारण। दूसरा कारण मानवीय कारण है किंतु अप्रत्यक्ष, मानवीय कारण है किंतु अप्रत्यक्ष, जैसे स्प्रिंग को अगर बैलेंस पर रखना है क्या करना होगा, ये आध्यात्मिक होगा, तो पृथ्वी भी क्या है, अपने आप में पूरा बैलेंसिंग, बैलेंसिंग का मतलब क्या है, कहीं पे माउंट एवरेस्ट जैसा पर्वत शिखर, पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर माउंट एवरेस्ट जैसा 8,850 मीटर ऊंचा पर्वत शिखर, तो कहीं पर मेरियाना ट्रेंच, माने इतना ऊंचा तो कहीं इतना गहरा, माने पृथ्वी अपना संतुलन स्वयं बनाकर रखती है, लेकिन मानव अपने स्वार्थ के कारण क्या करता है, जैसे अभी आप लोग अध्यापक होंगे 40,000 रुपये महीना पाएंगे, पहला मतलब एक दो साल की तनख्वाह बनेगा, पहला काम जमीन खरीदेंगे, शहर में जमीन खरीदेंगे, मकान बनवाएंगे, तो मकान बनवाने के लिए जितनी भी गिट्टी बालू सरिया जितनी भी चीजों का प्रयोग होता है वो सब कहां से आते हैं, यही से आते हैं। तो हम लोग करते क्या है, देखिए अगर बालू कहीं से मंगाते हैं तो बालू ऐसा प्रॉपर स्थान होता है जहां से बालू निकलता है, सोनभद्र मान लीजिए वहां से बालू निकल रही है, तो जब यहां से बालू निकलता है ऑल ओवर यूपी जा रहा है, तो यहां से बालू कम हुआ कहीं पर जाके बना, यहाँ पे 3 तल्ला मकान बना, घर बना, तो यहाँ पे दबाव बढ़ गया, यहाँ दबाव क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा बैलेंस देखिए, यहाँ से बालू कई हजार टन कई लाख टन बालू निकला और यहाँ आ गया, तो यहाँ भार कम हुआ, यहाँ भार, तो पृथ्वी में असंतुलन हुई, उसमें क्या होगा, कंपन होगा, इससे क्या आएगा, भूकंप आएगा, भूस्खलन होगा, अभी देखेंगे भूस्खलन भी इसके साथ जिम्मेदार होगा,
आप ईट मंगाए, ईट मंगाने के लिए भट्टे से ईट मंगाए आपने, तो जहां से मिट्टी खोदी जाती है वह स्थान कम हुआ और यहाँ पे लोड क्या होगा, बढ़ गया। ये हो गया एक अप्रत्यक्ष स्रोत मानवीय हस्तक्षेप है। दूसरा, पहले हम आप गांव में रहते थे, कहां रहते थे, गांव में एक घर यहाँ है, दूसरा घर यहाँ है, तीसरा घर यहाँ है। जितना गांव में लोगों की गाय बांधी जाती है उतना शहर में लोगों का बड़ा बड़ा फ्लैट और मकान होता है जहाँ गाय बांधी जाती है, सही बात है ना। तो गांव में दो दो रहते थे, माने एक वर्ग किलोमीटर में, एक वर्ग किलोमीटर में अगर 1000 जनसंख्या या 500 जनसंख्या निवास करती थी, आज वर्तमान समय में एक 32 तल्ले की एक फ्लैट बनाई जाती है और 100x100 में कितने 1500 परिवार रहता है। तो यहाँ पे भार बढ़ गया, भार क्या हुआ, पहली बार क्या बढ़ा, इतना ज्यादा गिट्टी बालू सरिया लगा, ये यहाँ बढ़ा, इससे फैमिली निवास करेगी, पता चला कोई इन्वर्टर कितने रख दिया इसमें, 500 इन्वर्टर लग गया प्रत्येक रूम में, फिर इन्वर्टर वालों ने बर्तन सबने अपना अपना रखा, कोई 50 किलो चावल रखा, तो लोड बढ़ा, तो यहाँ क्या हुआ, तो यह भी पृथ्वी में भूकंप आने के अप्रत्यक्ष स्रोत है जो मानवीय हस्तक्षेप की वजह से दिखते हैं। ये आपको समझ में नहीं आता लेकिन ये मानवीय कारण है, लेकिन हम आपको समझ में आता है अरे ये कहाँ है, लेकिन यह भी इसके साथ जिम्मेदार है। क्यों, क्योंकि यहाँ बैलेंस क्या हुआ, अरे गांव में 500 परिवार जो एक वर्ग किलोमीटर रहता था अब 100 वर्ग फीट में उठा के 500 परिवार बैठा दे रहे हैं, बैठते ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रहती है, फ्लैट जिसे कहते हैं आप लोग, तो आप लोग का भी इरादा ही होगा अध्यापक बने यही सब पूरा बात करें, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भूकंप के जिम्मेदार होंगे। चलिए, वैसे उत्तर प्रदेश सेफ जोन में है, ये है भूकंप आने के ये दोनों हस्तक्षेप। अब आते हैं प्राकृतिक जो हम लोग को पढ़ना है। भूकंप शुरू से ही पहेलियों का विषय बना था, भूकंप एक सेकंड में कई हजार बार आते हैं किंतु हम उसका अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि उसका अनुभव न करने, कल मैंने बताया था कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जल है, जल का विस्तार 29.2% और सॉरी 70.8% स्थल 29.2%। अब जब भूकंप आएगा तो ज्यादा समुद्र में आएगा कि धरती पर, भाई समुद्र बड़ा है, मतलब पूरी पृथ्वी पर आता है, समुद्र में ज्यादा आएगा, एक कांसेप्ट। दूसरा कांसेप्ट, पृथ्वी पर जो 29.2% हिस्सा बचा धरा तक उसमें भी पर्वत पठार है, मैंने हर जगह आदमी मने थोड़ी रहता है, उसके भी 10% हिस्से पे 20% हिस्से पे मनुष्य निवास करता है। अब सहारा डिजर्ट में कोई जाने जाएगा, अब वहां अगर हल्का भूकंप आएगा कौन देखने जा रहा है। तो सबसे ज्यादा भूकंप महासागर में आते हैं, ये प्रश्न सीधा पूछता है लाइन में कि सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आते हैं, महासागरों में आते हैं, कहाँ आते हैं, और हमें अनुभव क्यों नहीं, महासागरों में नहीं है। उसके बाद हर सेकंड भूकंप आते हैं किंतु उसकी गति इतनी तीव्र नहीं होती इसलिए उसका आकलन हम नहीं कर पाते, समझ में आप लोग को। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब भूकंप के प्राकृतिक स्रोत क्या क्या है, पहला भू अस्खलन, मानव या मानव गतिविधियां या प्राकृतिक हस्तक्षेप की वजह से जब भू स्खलन होता है उससे भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। ये भू स्खलन क्या होता है, आप बचपन में छोटे होते थे, आप लोग थोड़ा सा पीछे जाइए, जब बालू उलू गिरा जाता था कहीं वैसे से खोदते थे हम लोग, ऊपर से मिट्टी का होती थी नीचे आ जाती था पूरा बालू धंधे, आप लोग भी रहे होंगे, तो जैसे यहाँ से खोदेंगे तो क्या होता था, बालू सिर पर नीचे आता था, फिर यहाँ से करता था फिर बालू सिर पर फिर नीचे आता था, फिर क्या होता था बालू सिर पर नीचे आता था। यही जब बड़े पैमाने पर होता है इसी को कहा जाता है भूस्खलन। जैसे आपको कहा जब मैं वो नीचे सुरंग बनाई तो ऊपर जमीन गिर जाएगी, तो यही था यहाँ से आपने निकाला ये पूरा ढह जाए, एक पूरा किले की तरह ढहता था ना, तो यही ढहना जब बड़े पैमाने पर होता है इसी को भूस्खलन कहा जाता है। और जब इतना ज्यादा ज्यादा कई हजार टन एक साथ मिट्टी नीचे आती है इससे भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। तो ये था, अब ये पृथ्वी के बाह्य कारक है। देखिए प्राकृतिक में भी एक बाह्य होगा, एक आंतरिक कारक। आंतरिक कारण क्या है, पृथ्वी के अंदर हलचल होने के कारण भी क्या होता है, ऊपर धरातल पे भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। यही पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताने में मददगार होते हैं और यही प्रत्यक्ष स्रोत है, सबसे विश्वसनीय स्रोत है, सबसे विश्वसनीय स्रोत यही है कि अंदर से जो भूकंप के झटके, जो अंदर पृथ्वी के हलचल होता है उसी को झटके महसूस किए जाते हैं। अब ये प्रश्न उठता है पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर कैसी कौन सी ऐसी गतिविधि होती है जो अंदर हलचल उत्पन्न होती है, हलचल उत्पन्न होने के बाद नीचे से वेव्स या तरंगे निकलती है, उन्हीं तरंगों की वजह से हमारे धरातल या परपटी क्या होता है, हाँ कंपन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। अब उनको हम लोग देख लेते हैं। पृथ्वी के नीचे क्या क्या होता है, देखिए तीन प्रकार की तरंगे निकलती है, पहला पी वेव्स, फिर एस वेव्स, फिर एल वेव्स। माने पहला होता है इसको इसे दर्शाते हैं पी वेव्स, माने पी तरंगे, पी को तरंगे बारे में लिखना उन्हें समझना,
पी माने से प्राइमरी वेव्स कहते हैं, माने प्राथमिक तरंगे कहते हैं। ये तरंग की खासियत होती है, ये बेचारा किसी से मतलब नहीं रखता और बहुत तेजी से अपना काम करता, जैसे आप लोग लिखित परीक्षा के लिए पूरी जान लगा दी है। तो जब ये पूरी जान लगा देगा तो ये नहीं देखा कि ठंडी पड़ रही है, बरसात हो रही, पाला हो रही, कोचिंग छूटना नहीं चाहिए क्योंकि 39 दिन। तो यह तरंग की खासियत यह है, ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में विचरण करती है। कैसा? ठोस, द्रव और तीनों विचरण करती है। और अचानक कोचिंग के लिए निकले रास्ते में कोई टोके बात कर भैया कहा जाता, कहेंगे भैया लेट हो रहा है कोचिंग जा रहे हैं, क्या कहते उसे इग्नोर करते हैं। तो इस तरंगे की एक खासियत, इस तरह की खासियत है, ये बिना किसी को डिस्टर्ब किए अपना काम करती है। इसकी तरंग दैर्ध्य क्या है? कम है। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में विचरण कर सकती है और ये बिना किसी को डिस्टर्ब किए अपने रास्ते पे लंबवत एकदम सीधी चली जाती है, ठीक। और यह तरंगे पृथ्वी को पूरा 21 मिनट में पार कर जाती है, 21 मिनट में पूरे पृथ्वी को पार कर जाती है। यह तरंग क्या करती है? 21 मिनट में पूरे पृथ्वी को पार कर जाती है। कौन सी तरंग? पी वेव, ठीक। और इसकी जो गति होती है वो 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड, इसकी जो चाल होती है वो 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये राज्य सरकार की किताब का है, ये बेसिक किताब का है। 21 मिनट, कहीं कहीं आपको 20 मिलेगा लेकिन ये बेसिक किताब में है कि पी वेव पूरे पृथ्वी को 21 मिनट में पार कर जाती है, ठीक। तो ये ठोस, द्रव तीनों में गमन करती है। तो ये क्या होता है, यह तरंगे जब निकलते हैं इसकी गति का अंदाजा लगा के निकाल लेते हैं ये कहां से आ रही है, ठीक। हाँ, 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 8 से 14 किलोमीटर तक जाती है। ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि बड़ी क्योंकि 10 नंबर का है, 10 में क्या डिवाइड करते हैं 2.5 नंबर, ठीक। फिर आता सेकेंडरी वेव, नाम से स्पष्ट हो रहा है द्वितीय तरंगे। भैया द्वितीय तरंग के जानते क्या है? ये भैया बहुत ही खतरनाक आदमी है, ये कहते मैं केवल ठोस में गमन करूंगा, कैसे करूंगा, और इनकी चाल उनसे कम है, जो कम चाल है तो बड़े खतरनाक है। ये लाते हैं तीव्र गति का भूकंप। क्या इनकी है जो स्पीड, ये देखिए ये केवल ठोस में चलती है, ये केवल ठोस में गमन करता है। कहाँ पे? ठोस में। द्रव में ये गायब हो जाते हैं। और इसकी खासियत है, यह क्या है, इनकी जिनकी चाल है वह 4 किलोमीटर प्रति सेकंड, माने 1 सेकंड में 4 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। और ये धरातल नुकसान कैसे करते बता रहे हैं, इनकी देखिए चाल इस तरह बढ़। अब क्या होगा, जैसे ये पृथ्वी है, अगर कोई सीधा व्यक्ति जाए, जैसे भीड़ लगी है आप सीधा जा रहे हैं तो किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर इच्छे करते हुए जाए क्या होगा बगल वाले को, तो ये इनका देखिए उसका वेव क्या एकदम सीधा पता निकलेगा, इनके क्या तरंग देखिए बढ़ गया, तो क्या करते हुए जा रहे हैं, डिस्टर्ब करते हुए जा रहे हैं। तो इसकी वजह से जब ये ठोस में गमन करते हैं खाली, जहां पे इस तरह से हटते हैं तो क्या प्रॉपर्टी को कंपन करेंगे, तो उससे क्या होगी, भूकंप उत्पन्न होगी। अगला जो है सबसे खतरनाक, इनसे भी खतरनाक, ठीक है। देखिए अगला जो है उसका नाम है यल गैस, इसे धरातल तरंग कहते हैं, ये उनका बब्बा है, ये सबसे खतरनाक। वो तो ठोस में उनकी गति कभी कोई ठोस के अलावा अगर कहीं घनत्व कम हुआ तो गति कम हो जाती थी, लेकिन इनकी गति सबसे कम है, एकदम धीरे धीरे चलते हैं लेकिन जहां जाते हैं उसको बर्बाद कर देते हैं। कौन? ये भी केवल ठोस में ही गमन करते हैं और ये जल में गमन नहीं करते। आप लोगों ने सुना होगा सुनामी शब्द जो जापानी भाषा से उत्पन्न हुआ है। अब ये बेचारे ठोस में जाते हैं, जब ठोस में जाए ऊपर जल आ जाता है तो वहीं लगते हैं नाचने, और जब इसे नाचते हैं तो पूरी पृथ्वी क्या होती है, कंपन होती है। पानी जैसे होता क्या है सुनामी में, देखिए इसी की वजह से सुनामी आती है। आप लोग थाली में घर जाइएगा पानी लीजिएगा, ठीक, बहुत बार लिए ना, थोड़ा बात दुखी होगी, ऐसे तो हिलाइए तो पानी क्या होगा, पानी कैसे, देखिए ऐसे लहर बना के बाहर आता है, लहर बना के क्या होता है, पानी बाहर की तरफ आता है। तो सुनामी क्या होता है, जब अंदर यह वेव ऊपर आई महासागर में आई उसको हिलाई तो जो ऊपर का तल है पानी पूरा क्या होगा, ऊपर उठेगा और जैसे हल हो रहा। अब ये थाली का पानी, इतनी पतली थाली होती है, पानी उतना ऊपर आता है, जब 1500 मीटर या 500 मीटर नीचे से पानी के ऊपर आएगा कितनी ऊपर धारा जाएगी। एक बात सुनामी की पहचान है, जब सुनामी आगे की तरफ बढ़ती है, ध्यान दीजिएगा, जब सुनामी समुद्र से धरातल की तरफ बढ़ती है तो धरातल पानी पीछे जाता है, ध्यान दीजिएगा एक बात, पानी कहाँ जाता है, पीछे की तरफ भागता है। जैसे अचानक आप लोग नदी किनारे खड़ा हो पानी पीछे भागे कैसा लगेगा, पानी पीछे जाएगा और लहर की गति लगातार मंद होगी और लहर क्या होगी, लगातार ऊंचाई को छुएगी। क्यों छुएगी, अब उधर से ध्यान दीजिएगा बात को, केवल हम फील कर सकते हैं, उधर से आ रहा है क्या, रहा है सुनामी,
माने जलधारा ऊपर उठती रहेगी। जब जलधारा ऊपर की तरफ उठेगी, उसको पानी चाहिए ऊपर उठने के लिए, तो पानी क्या करेगी, किनारे से खींचेगी, और जब किनारे खींचेगी तो जलधारा कहाँ जाएगा, पीछे। माने जो सागर किनारे जो जल है किधर भागेगा, पीछे की तरफ, और ऊपर की तरफ उठेगा, और जो 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 किनारे पे आएगा तो क्या होगा, उसकी ऊंचाई क्यों, क्योंकि जगह कम है ना, अलग जगह समुद्र गहरा था और उसकी ऊंचाई कम थी, जो जो किनारे पे सुनामी पहुंचेगी जो उसकी गति ऊपर क्या होगी, ऊंचाई बढ़ती जाएगी। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जब सुनामी की पहचान क्या है कि जो जलधारा किधर की तरफ भागती है, वापस महासागर की तरफ जाती है, और जो जो सुनामी मध्य से किनारे की तरफ आती है तो उसमें ऊंचाई क्या होती है, बढ़ती जाती है, और ऊंचाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अब कई हजार घन लीटर पानी एक साथ पड़े तो घर को क्या हो जाएगी, बहा ले जाएगी, कई जनधन की हानि होती है। तो सुनामी जो का जन्म होता है इसी भूकंप से होता है, इन्हीं तरंगों की वजह से होता है। ठीक, चलिए अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के लिए हम इनको क्यों पढ़ रहे थे भैया, इनको इसलिए पढ़ रहे थे कि ये मान लीजिए पृथ्वी का मैंने एक टुकड़ा काट लिया, अब मैंने तरंग को डाल के देखा कि तरंगे कहाँ कहाँ जा रही है, तो पता चला कोई तरंग जाके यहीं से घूम जा रही है, यह से घूम जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ से कोई तरंगे निकल गई तो पी तरंगे निकल गई, इसका मतलब पी जो है छोत्रों का स्तनों में जाता है, लेकिन यह तरंगे यह तरंगे निकली यहीं तक गई उसके बाद गायब हो गई, इसका मतलब पृथ्वी के अंदर कोई एक ऐसा स्थान है जो लिक्विड कंडीशन में है, जिसे कहा जाता है सॉलिड लिक्विड, क्या कहा जाता है, सॉलिड लिक्विड। सॉलिड लिक्विड के बाद क्या है, सॉलिड लिक्विड क्या है, जैसे अभी सरसों का तेल या पानी लीजिए गिलास में, उसे पलट दीजिए, पानी तुरंत नीचे, लेकिन सरसों का तेल लीजिए पलट दीजिए तो एक चीज देखेंगे आप कि सरसों का तेल कुछ चीजें भी लगी रहती, मतलब पूरा उसमें लगा रहता है, मतलब हाथ से निकाले तब पूरा निकलेगा, जबकि पानी पूरा। अब लीजिए डामर, डामर जानते हैं, एक बार डब्बे भर दीजिए उसको पलट दीजिए, तो रात को पलट के आइए, ये डामर है, और सुबह तक पता कैसा होगा, बस इतना। अगर इसे पानी रखते हैं तेल सुबह के दो मिनट में खाली हो जाता, क्यों ये लिक्विड होते हुए भी सॉलिड लिक्विड कहते हैं, इसे घन तो इसका ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा है। ठीक, तो यही यहाँ पे है, इसे हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। उसी आधार पर हमने तरंगे डाल के देख लिया कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी परतें हैं, उसी आधार पर पृथ्वी की तीन परतों में बांटा गया था, इससे हम लोगों ने सब पढ़ा था, क्रस्ट मेंटल और कोर, माने भूपर्पटी मेंटल और क्रस्ट, इसी आधार पर जो वैज्ञानिक तर्क पूरी तरह से प्राप्त है। कल मैंने उसका डायग्राम बना के बता दिया था, आज भूकंपी छा क्षेत्र बताते हैं। अगर हम पी तरंगे लगाते हैं, पी तरंगे थे, पी को कहते हैं प्राइमरी वेव, प्राइमरी वेव क्या, ठोस द्रव गैस तीनों में गमन करती है, लेकिन ठोस द्रव तीनों में गमन करती है तो उसकी चाल में थोड़ा सा क्या होता है, चाल में परिवर्तन हो जाता है। अब बहुत तेज से भाग रहे हैं, घोड़ा यहाँ पे बहुत तेज भागता है, लेकिन रेगिस्तान में दौड़ाएंगे भागेगा, गति क्या होगी, काहे उसका पैर ऊपर तैरने लगेगा ना, धसने लगेगा, हाँ नहीं, उसका पैर क्या होगा, बालू धस जाएगा घोड़े का ना, तभी तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, हाँ पैर में गति लगवा के पैदा होता हाँ, ताकि धसने ना पाए, घोड़ा नहीं लगवाता, कदम आ नहीं जाएंगे, इसीलिए। तो जब यहाँ से पी वेव्स देखिएगा, पी वेव्स जैसे मान लीजिए यहाँ है, यहाँ से हमने निकाला पी वेव्स, अच्छा हाँ ये कोर है, अच्छा एक बात मैंने बताया नहीं, जैसे पृथ्वी पे जहां से भूकंप निकलता है, जहां से उद्गार होता है बिंदु, उस बिंदु क्या कहते हैं, फोकस, और जहां पे सबसे पहले भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे अधिकेंद्र एपिसेंटर कहते हैं ना, माने अधिकेंद्र, जिस स्थान पे भूकंप को सबसे पहले अनुभव किया जाता है उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं हिंदी में, फोकस को केंद्र, भूकंपी केंद्र, इसे भूकंपी केंद्र कहते हैं, जहां से सबसे पहले भूकंप निकलता है, भूकंप मूल भी कहते हैं, जहां से भूकंप निकलता है, इसका नाम असली नाम ये है, केंद्र नहीं है, इसे भूकंप मूल कहते हैं, इसे भूकंप केंद्र कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं, फोकस को भूकंप मूल कहते हैं। अच्छा इसका भी डायग्राम बना दे, इसको लीजिए भी डायग्राम बना, जैसे जहां से भूकंप निकलता है उसे भूकंप मूल कहते हैं, जहां सबसे पहले पहुंचता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं, इससे एक क्षेत्र उसी बना रहे, रुक जाइए रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, दूसरा क्षेत्र बना रहे,
देखिए मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, यहां से भूकंप निकला, तो जब भूकंप निकलता उसका रास्ता नहीं है कि यहां से कोसी निकलना है या से टीडी का गेट निकलना है, जैसे चौराहे पे निकलना है, उसको रास्ता नहीं पता होगा। वो यहां से निकला सभी दिशा में जाएगा, तो जहां इसके सबसे लंबवत जहां पहुंच गया, यहां भी गया, यहां भी गया, यहां भी गया, यहां भी गया, यहां भी, ठीक। तो जहां से निकला ये भूकंप मूल होगा, और जहां सबसे पहले लंबवत पहुंचेगा सीधा उसे एपिसेंटर या अधिकेंद्र, ठीक। ये हो गया, समझ आ रहा है, समझ आ रहा आप लोग को। ऐसा करें दोबारा पढ़ना ना पड़े। ये 108 डिग्री, ये 108 डिग्री, और देखिए ये कोर है, लेकिन देखिए यहां पे दिख रहे हैं ये क्षेत्र पे यहां कुछ गायब हो गया, जैसे यहां से निकला यहां तक आया, फिर यहां गायब हो गया, माने पृथ्वी का कुछ हिस्सा ऐसा कुछ क्षेत्र है जहां अंदर क्या है, लिक्विड है। अभी बताएंगे बड़ा लंबा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ भूकंप मूल, ये हो गया, ये हो गया पी, इसे कहते हैं भूकंप का छाया क्षेत्र, भूकंप का छाया क्षेत्र कहते हैं, बताए इसको। अब आते हैं यक्ष वेव्स पे, सेकेंडरी वेव्स, ये बेचारा यहां से निकलता है यहीं तक जाता है, इसके नीचे जाता नहीं। माने पृथ्वी के अंदर ऐसा क्षेत्र है जो लिक्विड जोन में है, जहां पे यस तरंगे जाके गायब, ठीक, यहीं तक आती है 108 डिग्री, उसके बाद गायब हो जाती है। हो गया क्लियर, चलिए ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न जो हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं, हर साल भूकंप से पूछे जाते हैं, रिकॉर्ड है पूछा जाने वाला। एक होता है मर्केली स्केल, फिर होता है रिएक्टर स्केल, फिर होता है सिस्मोग्राफ। भूकंप, भूकंपी, अच्छा रिएक्टर स्केल क्या होता है, इसी पे पैमाना पता चलता है। हाँ, रिएक्टर स्केल है, ये एक पैमाना है, जैसे इंची टेप है आपका, ठीक, लीटर मीटर सेंटीमीटर सब कह रहे हैं, उसी तरह रिएक्टर स्केल एक जो भूकंप की तीव्रता मापता है कि कितनी तीव्रता से भूकंप आपका आया, कितनी तीव्रता से आपका भूकंप आया, कौन रिएक्टर स्केल। और इसमें कितना पैमाना अंकित होता है, 0 से लेकर 9 तक, प्रत्येक पैमाना अपने पिछले पैमाने से 10 गुना तीव्र होता है, कितना 10 गुना तीव्र होता है। फिर एक हो गया, इसके बाद आता है मर्केली स्केल, ठीक। मर्केली स्केल की खासियत क्या है, वह क्या था, यह बहुत पुराना पैमाना था, जैसे एक मुहावरा, जैसे मुहावरा नहीं बोलेंगे, हाँ इसे है कि जब भूकंप भूकंप आ जाता था, जब मलबा मिलता था, मतलब समझ रहे, धन की हानि होती, क्षति हो जाती थी, तो उसका आकलन करके भूकंप का अधिक बताते थे, ठीक, माने घर जर जाए तो घूर बताने जब पहुंचते थे तो बताते थे भूकंप कैसा है, उसे कहते थे मर्केली स्केल। मतलब जब भूकंप आ जाता था, जब भूकंप आके शांत हो जाता था, वहां जाके देखते थे और कहते थे हाँ इतनी तीव्रता का भूकंप था, माने जो मलबा ढेर होता था, जो जनधन की हानि होती थी, उसका आकलन लगाते थे। यह बहुत पुरानी है, सबसे पहले वही थी। वर्तमान समय में भूकंपित तरंगों का अध्ययन किया जाता है, जिसे जो मैं बता रहा था वह सिस्मोग्राफ से होता है। किससे होता है, सिस्मोग्राफ। ये सिस्मोग्राफ क्या होता है, भूल जाते हैं, जिसके अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है। और जो सिस्मोग्राफ काम कैसे करता है, लंबा हो जाएगा कॉन्सेप्ट, जान लीजिए, लेकिन समझिए कहानी तरह। एक जमीन रहती है, जमीन फर्श पे एक ये पीला वाला खंभा काफी गहराई तक लगा देते हैं, उस पे एक लेजर लाइट जलती है, लेजर लाइट ऐसे नीचे चलती रहती है, नीचे पेपर चलता रहता है, जब भूकंप आता है जमीन हिलेगी, तो पेपर जी चल रहा है, भूकंप आई तो इसी पेन हिलेगा। तो जैसे आप लोग ने देखा होगा जब मरीज बीमार होते हैं, पिक्चर में चलता है ना जोर जोर, क्या कहते हैं पता नहीं, क्या कहते हैं, इसी तरह ये चलता है, इसी से चलता रहता है। अगर भूकंप नहीं आया है कैसा चलेगा, रेखा एकदम सीधी, रेखा एकदम सीधी का मतलब सीधी में लाइन मृत्यु हो गई, लेकिन भूकंप में इसका मतलब है कि भूकंप नहीं आया। जैसे ये बड़ा इतना झटका, इतना मतलब ये तीव्रता बताएगा। अरे इसे दिमाग लगाइए आप लोग, अगर आप लोग वैज्ञानिक कैसे बनाते, खंभा लगा देते,
पिलर लगा देते उस पर लेजर लाइट लगा देते, नीचे पेपर जा रहा है। अब जब ऐसे पेपर जा रहा दिन भर जाता रहता है वो, लेकिन जब भूकंप आएगा क्या करेगा, इसी से चलेगा वो भाई, हिलेगा वो आगे पीछे होगा तो उसी तरह तीव्रता से आएगा, तीव्रता से हिलेगा। उसी से हम लगा लेते हैं कि ये तरंग पी वेव से है, एल वेव से है कि यस वेव से। इसमें भी आता है पी स्टार यस स्टार, पी जी यस जी, वो सब हम लोग को नहीं पढ़ना है। वो आप लोग कब पढ़ेंगे, मास्टर हो जाइएगा उसके बाद सर की तरह का ज्यादा होना होगा तब पढ़िएगा। हो गया, तो यह था भूकंप बात समाप्त। आपका अगर यही भूकंप महासागरों में आता है वहां सुनामी का जन्म। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है और सुनामी के लिए फिर हम लोग को पढ़ना पड़ेगा क्या चीज, ज्वालामुखी। बताया ना एक बार बीटीसी फोर सेमेस्टर में क्वेश्चन आया था सुनामी कब आई थी, तो आया था 2004 में, उसको बताएंगे ज्वालामुखी से। ककराटोवा ज्वालामुखी था, ककराटोवा ज्वालामुखी का नाम था ठीक, इंडोनेशिया में। वो अचानक फट गया, फट गया मतलब समझ रहे हैं। अभी ज्वालामुखी भी तीन प्रकार का होता है, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, इतना तीव्र धमाका हुआ कि बगल में समुद्र महासागर अंडमान निकोबार जी समूह देख रहे हैं ना, दिखा आप लोग को, यही अरदास है। हाँ, अंडमान निकोबार जी समूह दिख गया ना, बगल में कांपने लगा। और उस दिन कौन सा दिन था पता है, 25 दिसंबर की रात थी। और लोग क्या मनाते हैं, क्रिसमस डे। तो जो बड़े धनान व्यक्ति थे वो पैसा वैसा खर्चा करके कहां गए थे, ये क्षेत्र देख रहे हैं, ये यहाँ इसके किनारे में सब जो है क्या मना रहे थे, बड़ा दिन मना रहे थे, सब कपड़ा पहन पहन के सोए थे सब रात को यहाँ किनारे में। और यहाँ से क्या उठा, सुनामी आई और 65,000 सरकारी आंकड़ा है, मतलब जितनी लाश मिली उतने डेथ हुए, पता नहीं कितने थे, सब किस्मत मनाए जाके अंडमान निकोबार समूह में। तो अभी देखेंगे भूकंप आया ज्वालम के फूटा कहा और झटके कहा लगे। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी, अब हम लोग पढ़ते हैं ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वाला मतलब मुख, माने पृथ्वी के मुंह से जो आग निकलती है उसे क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं ठीक। तो ज्वालामुखी के बारे में सुन लीजिएगा, पृथ्वी के कष्ट को तोड़कर जब उत्तप्त लावा का उद्गार होता है उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब पृथ्वी के कष्ट को तोड़कर, जब पृथ्वी के कष्ट को तोड़कर ज्वालामुखी लावा का, उत्तप्त लावा का उद्गार होता है उसे क्या कहते हैं हम। उस ज्वालामुखी उद्गार के बाद उसके ठंडा होने से जो शंकु का निर्माण होता है, जो पर्वत जो शंकु होता है उसे ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। ये मैंने बनाया ज्वालामुखी शंकु, क्या हो गया ज्वालामुखी शंकु हो गया, क्या हो गया। और यह शंकु जब बड़ा हो जाता है और उसके बाद एक कहलाता है ज्वालामुखी पर्वत। और जब यहां से देखिए जब इसको तोड़ के क्या निकल रहा है, इसमें से क्या निकल, उत्तप्त लावा का उद्गार हो रहा है, क्या हो रहा है, ये उत्तप्त लावा का उद्गार हो रहा है, इसे कहते हैं ज्वालामुखी मुख। और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाता है इसे कहते हैं क्रेटर, ध्यान दीजिएगा, इसे कहते हैं क्रेटर या क्रेटर कहते हैं। लेकिन ये क्रेटर से पहले जब तोड़ के निकलता है उसे वीवर कहते हैं, क्या कहते हैं, वीवर, क्या कहते हैं, वीवर। और इसे क्या कहते हैं पता है, कहते नली लग गई है, हाँ ये नली है, इसे क्या कहते हैं, बरक नली नहीं, इसको खाली नली कहते हैं। और नली क्या होता है, जिससे लावा का संचार होता है, लावा से बाहर निकलता है, यहां से लावा निकलता है, इसे कहते हैं क्या, ज्वालामुखी नली, ज्वालामुखी नली, इसे कहते हैं क्रेटर, इसे वीवर कहते हैं, वीवर या क्रेटर, क्या कहते हैं, वीवर या क्रेटर कहते हैं ठीक। समझ में आया, ये क्या है, लावा है, लावा है, और लावा के बाद भी कुछ निकलता है, जरा बताइएगा क्या क्या निकलता है। हाँ अच्छा, एक प्रश्न पूछ चुका है शायद यूपीटेट में पूछा कि लिखित में शायद पूछा था कि ज्वालामुखी उद्गार के बाद सबसे ज्यादा क्या निकलता है, सबसे ज्यादा क्या निकलता है, जलवाष्प सबसे ज्यादा निकलता है, याद रखिएगा जलवाष्प, क्या निकलता है, जलवाष्प निकलता है, फिर धूल कण गैसें निकलते हैं, उसके बाद लावा निकलता है, क्या निकलता है, लावा निकलता है उसके बाद। तो यहाँ पे देखिए घनी, इसके बड़े कारक बहुत सारे उदाहरण बता नहीं दूंगा, इसको पढ़ेंगे तो एक हफ्ता, यही इसका यही है। कालडेरा क्या होता है, सही, बड़ी लंबी लंबी कहानी, कालडेरा आएगा, घोसला आएगा, घोसला जानते हैं, हाँ नहीं जानते, अरे घोसला नेक्स्ट, अरे हम लोग पढ़ेंगे जो मास्टर के प्राणी का बच्चे पढ़ेंगे एन फॉर नेक्स्ट माने, तो वही घोसला यहाँ भी होता है, क्रेटर के अंदर कालडेरा ने घोसला, चलिए सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो ये हो गया ज्वालामुखी, ये हो गया आपका ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी क्या होता है, जब पृथ्वी को कष्ट को तोड़कर उत्तप्त मैग्मा या लावा बाहर निकलता है
उसे क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी ठंडा होने से जिस शंकु का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी शंकु कहते हैं, और उसके ठंडा होने के बाद जो पर्वत का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, जहां से तोड़कर बाहर निकलता है उसे क्रेटर या बीवर कहते हैं, और क्रेटर बीवर के बाद जिस नली से लावा निकलता है उसे ज्वालामुखी नली कहते हैं, कभी कभी बगल से निकलने लगता है उसे ज्वालामुखी उपनली कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी उपनली कहते हैं। और यहाँ पे भी कभी कभी शंकु का निर्माण हो जाता है, ज्वालामुखी उपशंकु कहते हैं। कभी कभी शिशंकु पर क्रेटर का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी उपक्रेटर कहते हैं। ठीक, सुन रहे हैं? और सुन लीजिए, अच्छा हम तो भुला गए क्या बताने जा रहे थे। अच्छा एक बहुत बढ़िया चीज बताने जाते भुला गए। हाँ अच्छा, ये हो गया। अब ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो इसमें से क्या निकलता है? सबसे लावा या मैग्मा निकलता है। इसके ठंडा होने चट्टानों के निर्माण होते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से उसको पढ़ेंगे। अच्छा एक बात और, जब ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद, जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा कहां से निकलेगा लावा? ऊपर से एक नली से निकलेगा, यहां से ये नली आएगी, यहां से फिर निकलना शुरू होगा लावा, ये गड्ढा बन जाएगा। कभी कभी क्या होती है, यहां से लावा निकलना बंद हो जाता है, क्या होता है, जम जाता है। जब जम जाता है लावा का उद्गार नहीं होगा, यहां क्या बना रहेगा, क्रेटर बनाएगी, फिर वर्षा होगी। जब वर्षा होगी झील में क्या बनेगा, झील बनेगा। इसे कहा जाता है क्रेटर झील। क्या कहा जाता है? इसी को क्रेटर झील कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या है? अगर कोई बहुत पाप कर लेता है, बहुत पाप कर लेता है, कौन सा रोग होता है? इसे कहते हैं कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग कहते हैं ना, चर्म रोग। इसे शायद कुछ लोग कोढ़ भी कहते हैं ना। अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो कहते हैं भगवान की यहाँ जाए नहाला ठीक हो जाए, तो वास्तव में कुछ होता नहीं। इसमें गंधक तुतिया की मात्रा पाई जाती है पानी में, क्रेटर झील में। वर्षा होती है क्योंकि यहाँ पे अग्निशन होता है या गंधक तुतिया होती है, तो जब लोग नहा लेते हैं यहाँ पे तो उनका क्या होता है, चर्म रोग ठीक हो जाता है। इसलिए क्रेटर झील में नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। राज सरकारी किताब में है ये, बेसिक अच्छा या साथी किताब में है। ठीक, क्रेटर झील में, और क्रेटर झील में क्या पाया जाता है, गंधक तुतिया की मात्रा पाई जाती है। गंधक तुतिया जानते हैं आप लोग ना, कोई एमएससी बीएससी होता तो बताता उसका सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र गंधक तुतिया का। अच्छा हाँ आप बताएं। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं ज्वालामुखी के प्रकार पढ़ेंगे। देखिए ज्वालामुखी बहुत सारे प्रकार है। इस बात आईएस से पूछ दिया था, एक ज्वालामुखी ऐसा कि जो कभी नाम कोई नहीं सुना था, तो वो सब हम लोग को नहीं पढ़ना। हम लोग को पढ़ना ज्वालामुखी विस्फोट के आधार पर तीन प्रकार के, कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। एक पहला जो होता है उसे कम सब नोट्स देंगे, कहा जितना लिखना अपने तरफ से करिए, जागृत ज्वालामुखी। अरे नाम से स्पष्ट हो रहा है, जागने वाला ज्वालामुखी। कौन सा? जागते रहे, मतलब सोबा ही नहीं करता। माने एक बार यदि लावा ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया, उद्गार हो गया, तो सतत लावा क्या होता है, बाहर हमेशा निकलता रहता है, हमेशा उद्गार होता रहता है। जब लावा हमेशा उद्गार होता रहेगा उसे क्या कहेंगे, जागृत ज्वालामुखी। अरे ज्वालामुखी फूटता उसमें क्या निकलता है, मलाई। क्या निकलता है? लाई नहीं निकलता जी, लावा निकलता। लावा ठंडा होता है, गरम गरम होता है। उसका टेम्परेचर कितना होता है, 1500 से लेकर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक, तो क्या होता है, उसे उस लावा का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि वहां पे जमने ही नहीं पाता और लगातार लावा निकलता रहता। ठीक, इस प्रकार के पर्वत क्या, मतलब इस प्रकार क्या कहते हैं, जागृत ज्वालामुखी। फिर दूसरा आता है सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त माने मतलब ऐसा इंसान होता है कब घात कर जाए कोई भरोसा नहीं। एक बार ज्वालामुखी उद्गार हुआ किसी कारण इसकी नली बंद हो गई, लेकिन भविष्य में कब ये दोबारा लावा फूट जाए इसकी गारंटी, मतलब बहुत लोग शांत दिमाग, लेकिन बहुत गुस्साई होते हैं। एक बार गुस्सा ही काम खत्म, मेरे विस्तार लेके गायब, और कहते हैं गुस्साते नहीं। तो वही हाल इसका बेचारा, ये क्या है, एक बार लावा निकल के बंद हो गया, फिर पता नहीं कब 200 साल 300 साल 400 साल 100 साल 50 साल 20 साल कब फूट जाए इसका भरोसा नहीं होगा। ऐसे प्रकार के ज्वालामुखी क्या कहते हैं, सुसुप्त ज्वालामुखी। ठीक, फिर आता है अंत में आता है शांत ज्वालामुखी। एक बार लावा उद्गार होने के बाद उसकी नली बंद हो जाती है, दोबारा लावा का उद्गार नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, शांत ज्वालामुखी कहते हैं। ये कौन सा, शांत ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी? और शांत ज्वालामुखी में क्रेटर झील बनता है। पूछता है प्रश्न कि क्रेटर झील किस ज्वालामुखी बनता है, शांत। जब तक शांत नहीं होगा बड़बड़ाता रहेगा, उतनी बात कैसे बताएंगे। जब चुप होगा तभी ना, और चुप मतलब हमेशा के लिए चुप होना चाहिए। तो ये हाँ, लेकिन जो बोल दिया नदी बह गई, झील झील पलट जाएगी। तो हमारे सुसुप्त ज्वाला सॉरी शांत ज्वालामुखी में क्रेटर झील का निर्माण होता है। ठीक, सुनाया। अब हेडिंग डालिएगा आप लोग, जागृत ज्वालामुखी। उसके प्रकार लिख लीजिए, कौन कौन आते वही पूछ लेता है, हमको थोड़ा बताना होगा पूरा याद।
एक सेकंड भैया, माउंट एटना, माउंट एटना जल की नाम है, माउंट एटना सिसिली, सिसिली द्वीप किस ज्वालामुखी है ये? जागृत के लिखा रहे भाई, जागृत माउंट एटना, माउंट एटना उसमें हवाई द्वीप। अच्छा हवाई द्वीप पे एक और है किलायू, किलायू किलायू हवाई द्वीप, हवाई द्वीप अमेरिका के मतलब अमेरिका के अधीन कब्जे में हवाई द्वीप। कोटापैक्सी सबसे ज्यादा पूछता है इक्वेडोर, कोटापैक्सी ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत भी है, कोटापैक्सी ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे में इक्वेडोर कॉर्नर पे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप इक्वाडोर देश वहीं पे है, विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है ये, 5695 मीटर है क्या साथ, पूरा एग्जैक्ट नहीं याद है, 5695 मीटर। ओजस डेल सालाट, इस्तांबुली, इस्तांबुली, इस्तांबुली लेपारी द्वीप, इस्तांबुली लेपारी द्वीप, इस्तांबुली लेपारी द्वीप ये भूमध्य सागर में ना, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, इस्तांबुली को ही एक उपनाम है इसका, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, कहे कहते हैं जब लावा निकलेगा तो कैसा दिखेगा, दिन दिखेगा रतियों में, तो दूर से दिखेगा भाई, इसे रात में आपके घर से 50 मीटर दूर अंधेरे में बत्ती जल रही है सुनसान में तो दिखेगा वहां बत्ती जल रही है, उसी तरह जब इस्तांबुली ज्वालामुखी फूटता है भूमध्य सागर में दूर से कैसा दिखता है, कुछ लाइट जल रही है बत्ती जैसा, इसलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण है, भारत में भी एक जागृत ज्वालामुखी है, कहां है? बैरन द्वीप, बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बैरन द्वीप ये ज्यादा पूछ सकता है भारत का, और इस्तांबुली पूछता है, एटना पूछता है, एटना कहा सिसिली, मात्र सिसिली कहा है, हाँ सिसिली घुमा सागर भी है इस्तांबुली के पास, भारत वाले का नाम क्या है कुछ पता नहीं, हाँ बता दो ना, बैरन, बैरन द्वीप ना, भारत द्वीप में बैरन द्वीप, हो गया ये अगला सुसुप्त, सुसुप्त के लिए क्या उदाहरण, विसुवियस इटली का, विसुवियस इटली का, विसुवियस, विसुवियस इटली का, विसुवियस इटली का, विसुवियस इटली का, फ्यूजियामा जापान, फ्यूजियामा जापान, फ्यूजियामा जापान, अच्छा क्राकाटोवा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, अरे कई हजार को मार दिया था ये बेचारा क्राकाटोवा, दक्षिण अमेरिका के पहाड़ में तक वहां उसकी आवाज पहुंची थी। अब नारकोडम अंडमान निकोबार द्वीप भारत में है, ये नारकोडम भारत में है, अंडमान निकोबार द्वीप, हो गया। अब शांत सब उदाहरण ही लिखोगे, उदाहरण ही पूछता है शांत, चिंबो राजो, चिंबो राजो इक्वेडोर, किलिमंजारो तंजानिया, तंजानिया देश है, कौन कौन तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप, किलिमंजारो, किलिमंजारो तंजानिया, अरे ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है, खाली अफ्रीका महाद्वीप,
पोपा, ये बहुत पूछता है म्यांमार का पोपा। अब इधर पूछेगा इसे बता सीटेट में लिखित में कहेगा नहीं कौन सा सुमेलित नहीं है इसलिए तीन है पोपा का म्यांमार, एकांगुआ एंडीज पर्वत, पोपा म्यांमार का पोपा, पोपा अरे वहां पाप सॉरी एकांगुआ एंडीज पर्वत। एक बहुत पूछता बड़े परीक्षा में कोहे सुल्तान एवं देवबंद, बहुत पूछता है को हे सुल्तान, एक है कामा देकर दो लिख लीजिएगा देवबंद, ये भी पूछता है देवबंद, बड़ी परीक्षा पूछता है देवबंद ईरान में, तुम्हारे बारे पूछेगा नहीं, गीजर पूछेगा नहीं, एक परिप्रशांत मेखला पेटी, उसके बारे में जानते हैं परिप्रशांत मेखला पेटी क्या है उसके बारे में जान लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी बातें आपको बताएंगे इसके बैक जाके, क्या कहते हैं इसे अंग्रेजी में फ्लैश बैक, हाँ सिखा दीजिए हम लोग विद्या सब विद्या नहीं तो हमारा नैया डूब जाए। ये हो गया पृथ्वी, ये पृथ्वी मानना पृथ्वी है तो पृथ्वी है तो पृथ्वी जो है पूरे परपटी के रूप में कैसे परपटी के, इसी को कहते हैं अगर प्लेटोनिक दृष्टिकोण से अगर ज्वालामुखी और भूकंप का अध्ययन करे तो तीन प्लेटों की, तीन प्रकार की प्लेटों की बात करते हैं, कौन कौन सी प्लेट, अपसारी संरक्षी, ठीक। अब इसको अंग्रेजी में बताया हिंदी में समझे, ठीक है। अब प्लेट का मतलब है यही, देखिए बड़ी मोटी मोटी किताबें हैं, देखिए ये है, ये दो प्लेट है, ठीक। अगर ये एक दूसरे को बगल से जा रहे हैं, जैसे ट्रेनें जाती है दूसरे बगल से क्रॉस करती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसे कहते हैं संघर्षी प्लेट किनारा, ठीक। कोई कीमत नहीं अपने अगल बगल जाए, किसको मतलब है भाई, ये अपने रास्ते से गाड़ियां आती है, उधर से गए उधर से आए, या तो दोनों साथ ही एक ही दिशा में चले या दोनों विपरीत दिशा में चले, एक दूसरे पीछे एक ही दिशा में चले या विपरीत दिशा में चल रहे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको यहां समझिए, कुल सात बड़े प्लेट है, ठीक, और 20 छोटे, नासा के अनुसार 100 से ज्यादा छोटी प्लेट है। चलिए देखिए, जैसे एक प्लेट इधर गई, ये ऊपर जाए ये नीचे जाए, ठीक, दोनों ऊपर जाए दोनों नीचे जाए, इसी का बाप का क्या जाता, हमारे बाप का क्या जाता, आप कुछ नहीं जाता ना, ये कुछ नहीं करेंगे दूसरे को, किंतु एक कंडीशन है, जब इधर से जाएंगे किसी को छोड़कर जाएंगी, मैं लड़कियां की शादी होगी तो विदाई होगी, जगह से जगह जाएगी, एक ठो मायका होगा, एक ठो जगह छोड़ कर जा रही है, यहाँ यहाँ कोई प्लेट था ये इधर की तरफ जा रही है तो इसको छोड़ के जा रही है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, छोटा भाई यहाँ पे रुका है ये नीचे की तरफ, इसको छोड़ के नीचे गई तो यहाँ पे क्या बना, जगह बचा, और ये प्लेटें 10-20 किलोमीटर नहीं होती, कई हजार किलोमीटर कई सौ किलोमीटर होती है, जब यहाँ से विपरीत दिशा में जाएंगी ये बेचारा यही खड़ा है, इसको छोड़े गई तो जगह को क्या खाली, तो इसे कहते हैं दरार उद्भेदन, क्या कहते हैं, जब दरार उद्भेदन होता है तो इसे एक बार में चिटक गया पृथ्वी तो कितना लावा निकले, चिटकना तो कितना लावा निकलेगा, लावा निकले जमा होगा तो क्या बनेगा, उससे पर्वतों का निर्माण होगा। चलिए एक दूसरा जो होता है, इससे भूकंप के झटके कम, इससे भूकंप झटके कम महसूस किए जाते हैं, इससे भी कम, लेकिन जब यही क्या करते हैं ससुराल में जाने के बाद ये लोग लड़ाई कर लेते, देखिए क्या होता है, एक प्लेट इधर से आ रही है, इधर से अब दोनों मार हो गया भाई, किसी को छोड़ के तो जा रहे हैं, अब क्या होगा, यह ज्यादा घर वाली प्लेट कम घर वाली नीचे क्या होगी भाई, राष्ट्रपति की जीत हो जाती, प्रधानमंत्री के हाथ कहानी छेपित हो जाती है, और जब बड़े घर वाले प्लेट के नीचे छोटे वाले प्लेट का घनत्व तो क्या होगा, छेपित होगा, यह नीचे दबाव करेगा, यह भी मार करेंगे, ये भी दोनों से प्रेशर बनेगा, ठीक, तो क्या होगा यहाँ पे इस किनारे क्या होगी पर्वत वाली, पर्वत का निर्माण क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अब दोनों मार किए हैं,
ये इधर उधर चेपिट हुआ और यहाँ पे क्या होगा भाई, दबाव बनेगा तो क्या होंगे, देखिए ये दबाव बने चिक जाए मुस्लिम की, पर्वतों के निर्माण हुए और यहाँ पे क्या बना, ट्रेंच, खाई बनी, यही बनता है ट्रेंच, गर्त बनेगा। और जब गर्त बनेगा नीचे गया और नीचे गई तो गुस्सा खूब नहीं लगा, दिमाग गरम, क्या हो गया, ये जो छेपित हुआ प्लेट नीचे क्या है, नीचे भी हम लोग कुछ देर पहले थे आर्थिक संरचना में, यहाँ क्या है उत्तप्त लावा है, उसके संपर्क में आने बाद ये भी क्या बन गए, लावा बन गए। अब ये लावा बन गया तो इस चट्टान में, जैसे इस चट्टान में से एक प्याज काटी, एक आलू काटी, उसमें से पानी भी निकलता है। अब इसको गर्म करेंगे इसमें जलवाष्प होगा ना, ये गल गया, अब यहाँ जलवाष्प आ गया, और जलवाष्प क्या होगा, देखिए अंदर जो घर, जैसे आप लोग ने परीक्षा प्रश्न सीटेट में पूछा था, जैसे आप लोग गेहूं आटा वाटा सान पिसवाने के लिए पहले गेहूं धुला जाता है, तो जब गेहूं पानी में डाल देते हैं तो कुल पानी में डूब जाता है, कुछ डालने लगता है ऊपर, जो ऊपर डालना तो फेंक देते हैं, उसका घन तो कम होता है तो उसको काहे फेंक देते हैं, वो गेहूं खराब होता है। हाँ, तो जब ये चट्टान आएगी कम घनत्व वाली थी, और जब इसके अंदर डुबो देंगे तो कम घनत्व वाली क्या करेगा, अब एक प्लास्टिक गेट लेके नदी में डालिए पानी में, फिर ऊपर आ जाएगा, फिर डालिए फिर ऊपर आ जाएगा, होता है ना। तो यहाँ भी क्या है, ये चट्टान कम घनत्व को थी, यहाँ अंदर गई कहाँ आएंगे, ऊपर आएंगे, किसके साथ, अपने दोस्त के साथ। दोस्त कौन है, जलवाष्प भी है, और जलवाष्प से इतनी ताकत होती है, इन लोग से पूछे जो रोटी बनाती है, कभी रोटी फूट जाए कैसे हाथ जलता है, ये जलवाष्प की ताकत है। और जलवाष्प क्या करेगा, यहाँ तोड़ेगा, तो जहां पे ये क्रिया होती है वहां विश्व के सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, सॉरी ज्वालम की फूटते हैं। ये कहा यहां से निकला, आपका स्थान खोजेगा, कहा किसके ऊपर गुस्सा, तोड़े किसके ऊपर गुस्सा, यही बगल पता चला यही गुस्सा क्या हुआ। तो विश्व के सबसे ज्यादा ज्वालम की कहां थे, जहां प्लेटों का एक प्लेट के नीचे दूसरे प्लेट का छेपड़ होता है, क्या होता है छेपड़। अब जब यहाँ पे भूकंप ज्वालामुखी फूटेगा, इससे 400 किलोमीटर 200 से लेकर 400 किलोमीटर तक क्या आएंगे, भूकंप के सबसे ज्यादा झटके आएंगे, और गलती से कोई महासागर क्या आएगा, सुनामी भी आएगा। तो ऐसा क्षेत्र कहाँ है, ये देखिए है, मैंने एक प्लेट ये बताया था कि एक प्लेट दूसरे प्लेट की जब क्या होती है दूर जाती है, जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देख रहे हो ना, ये अमेरिकी प्लेट इधर जा रही है और ये प्लेट है एक दूसरे विपरीत जा रही है, जब विपरीत जाएंगे क्या होगा पता है, बीच में गैप, यहाँ पे क्या निकलेगा, लावा निकलेगा। तो यहाँ पे जब लावा निकलेगा तो लावा जम जाएगा, इसको क्या कहते हैं, मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं। क्या बनता है, मध्य अटलांटिक मतलब पर्वत की रेंज बनेगी, यहाँ भी, यहाँ पे कौन सी कटक है, यहाँ भी कटक, ये भी कटक, ये पूरा कटक बना हुआ है, लेकिन ये किधर जा रही है, किधर जा रही है, पश्चिम तरफ, और ये किधर जा रहा है, प्रशांत महासागर छोटा हो रहा है। तो इस कार्नर, इस कार्नर पे देखिए, यह पूरा कार्नर और यह पूरा कार्नर, ये देख रहे हैं, ये प्लेटें दोनों छोटा हो रही है। विश्व के सबसे ज्यादा ज्वालामुखी यही किनारे पे आते हैं, जितने ज्वालामुखी का नाम लिखा आप लोगों ने, यहाँ यहाँ और यहाँ का और यहाँ पे लिखा, ये विश्व के सबसे बड़े ज्वालामुखी जो सबसे ज्यादा फूटते हैं यहाँ, यही जापान है, दिख रहा है ना, ये जापान है, मेरा उंगली जहाँ वो जापान है। ये जापान की खासियत क्या है, यहाँ मकान किसके बनाते हैं, गिट्टी मिट्टी का नहीं, हमेशा भूकंप आते हैं वही जोन में तो है, इसे कहते हैं परिप्रशांत मेखला पेटी। यहाँ पे भूकंप झटके सबसे ज्यादा महसूस किए जाते हैं, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी उद्गार होता है, और सुनामी शब्द भी जापानी का है जिसमें टी साइलेंट होता है, तो यही आया है। तो यह था हमारे भूकंप और ज्वालामुखी की छोटी सी कहानी, जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसके प्रश्नोत्तर में एक दो दिन में पूरा 8000 क्वेश्चन का कलेक्शन आप लोग को जल्दी उपलब्ध करा देंगे। और आप लोग को यदि कोई डाउट हो तो यहाँ से कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं जल्दी से, और जो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं उनका भी मोस्ट वेलकम है, ऑनलाइन ऑफलाइन नोट्स। और अगर आप लोगों को बेहतर लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, भाई लाइक करिएगा चाहे मत करिएगा आपकी मन, और अगर हाँ, और जो भाई जिनको लाइक करने का शौक है वो लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि वो अपने काम में लगे रहें, तो उनका काम है, मैं अपना काम करूँ। 6306344367 ऑनलाइन क्लास के लिए खुला है, ये 10 आगामी 30 नंबर तक एडमिशन होंगे आपके, उसके बाद एडमिशन क्लोज, ठीक, आप लोग लगे रहिए।